विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर लगे कार्मिकों के प्रशिक्षण स्थल राजकीय जुबली इंटर कॉलेज का सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने निरीक्षण किया है, जिसके संबंध में सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया कि जनपद में विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर लगे कार्मिकों के प्रशिक्षण का तीसरा दिन है, जिसका निरीक्षण किया गया है तथा कार्मिकों में प्रशिक्षण को लेकर उत्साह बढ़ा है और कार्मिकों की उपस्थिति भी ठीक है, जबकि पहले 130 कार्मिक एब्सेंट थे जो कि घटकर 70 आ गए हैं तथा अधिकतर कार्मिकों ने दोबारा आकर प्रशिक्षण लिया है जो कि पहले उपस्थित नहीं थे। उन्होंने कहा कि जो भी कार्मिक उपस्थित नहीं है वह आकर प्रशिक्षण प्राप्त कर ले, नहीं तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्मिकों को ईवीएम मशीन के संचालन की पूरी जानकारी दी जा रही है और यह प्रशिक्षण 2 फरवरी तक चलेगा तथा कार्मिकों को मतदान के दिन से मतदान कराकर लौटने तक की पूरी जानकारी दी जा रही है और हैंड जॉब भी कराया जा रहा है तथा कार्मिकों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए भी बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन 1800 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है एवं मतदान के दिन कुल 35,000 कार्मिक होंगे जो कि चुनाव कराएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा, ये मशीनें खोली भी नहीं है। कौन है मास्टर ट्रेनर? आप लोग हैंड्स ऑन जब तक नहीं होता तब तक छोड़ना नहीं है। 12:30 से पहले से ये मैं क्लियर कर देता हूँ, सब लोग हैंड्स ऑन करके जाएंगे। ये वाली बार बार चेंज कराओ, जितने मर्जी ले लो, बदल के दो 100-150 बदल के, क्यों बदल के लो 100-150 सबको हैंड्स ऑन करके भेजना, ऐसे मत भेजना, ठीक है? जितना भी एक को हैंडल कर देना, ठीक है? चलाएंगे आपकी पोलिंग पार्टी में, सबको इक्वल नॉलेज मिलेगा, जितना अच्छे से हैंडल अभी कर लेंगे और टाइम से निकल भी जाएगी पार्टी, ठीक है? सिर्फ 2 दिन की ड्यूटी है, बहुत बड़ी ड्यूटी नहीं है। टफ पंचायत इलेक्शन आप लोगों ने कराया, ये तो कुछ भी नहीं है, तो मशीन है, पैरामेट्रिक फोर्स ही है, तकरीबन हर बूथ पे पहुंच जाएगी, आधे से आधे बूथ होकर वेबकास्टिंग हो रही है, तो इससे आसान इलेक्शन नहीं होगा, ये तो सबको पार्टिसिपेट इसे करना चाहिए सब, ठीक है? सबको हैंडकाउंट करा है, बिना हैंडकाउंट से जाने मत देना, किसी भी फटाम कर रहे हैं सारे बड़े, ठीक है? एक एक को मशीन दे दो, क्या चीज देखना हाँ, आज तीसरा दिन है और जो उत्साह है कार्मिकों में काफ़ी बड़ा है और आज अटेंडेंस भी काफ़ी अच्छी है और जो पहले 130 एब्सेंट थे अब कम रह के सिर्फ 70 तक आ गए हैं और बहुत सारे लोगों ने आके दोबारा ट्रेनिंग भी कर ली है जो पहले एब्सेंट थे, तो बाकी भी जो अभी एब्सेंट चल रहे हैं उन सारे कार्मिकों से अपील है कि आ जाए, नहीं तो हमें कोई ना कोई विधिक कार्रवाई करनी पड़ेगी। सर क्या क्या जानकारी दी? हाँ, पूरा जो पोलिंग प्रोसेस है उसके बारे में बताया जा रहा है, मशीन इलेक्ट्रॉनिक जो हमारी वोटिंग मशीन है उसके बारे में पूरा दिया जा रहा है और जितना भी पोलिंग डे या उससे पहले जो जो भी चीज़ें इलेक्शन कमीशन द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके बारे में डिटेल्ड जानकारी हमारे मास्टर ट्रेनर्स हैंड्स ऑन भी कर रहे हैं और PPT के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से बता रहे हैं। इसके अलावा कोविड प्रोटोकॉल उस दिन कैसे फॉलोअप करना है, जो जो भी दिशा निर्देश आए हैं, सारे रिटन मटेरियल भी सब सारे ट्रेनी जो आए हैं उनको दिया गया। कितने कार्मिक जो डेली जो हमारे कार्मिक लेते हैं वो 1800 ले रहे हैं, मतलब अभी 3 दिन हुए हैं और टोटल जो कार्मिक उस दिन इलेक्शन में होंगे वो 32,000 से 35,000 के करीब जो गोरखपुर के लिए हम लोग पूरा इलेक्शन करवाएंगे।